हेलो गाइस, राम राम सुबोना, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मेरा व्लॉग है, सब लोगों की रिक्वेस्ट है कि आपकी डेली रूटीन क्या है ये दिखाओ अपने व्लॉग में। तो मैं अभी उठ चुकी हूँ, 4:30 हुआ, एक्चुअली 4:05 मेरा जिम का क्लास है। तो मेरे उठते उठते 4:45 4:50 हो जाता है, फिर फेस वॉश करके रेडी होती हूँ, तब तक हो जाता है 5:05। तो अभी मैं जा रही हूँ जिम, चलिए आगे क्या होता है दिखाते हैं आपको। ठंड बहुत ज्यादा है तो मैं स्वेटर पहन के जा रही हूँ, अब आप लोग सोचेंगे कि इतनी सुबह सुबह क्यों एक्सरसाइज करने की जाने की क्या ज़रूरत है। तो मेरी हेल्थ ठीक नहीं होती है तो मुझे एक्सरसाइज की ज़रूरत है, तो मैं मॉर्निंग में वार्म अप के लिए भी हो जाता है और एक्सरसाइज भी हो जाता है और थोड़ा डांस भी सीख जाती हूँ, तो इसलिए मैं जाती हूँ एक्सरसाइज करने। अगर मेरे वार्म अप का वीडियोस आप देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं आपको नेक्स्ट टाइम पूरे वार्म अप का वीडियोस आपको भेजूँगी, इससे आपकी हेल्थ भी अच्छी रहती है। गाइस, एक्सरसाइज का टाइम हो चुका है, ऑन द वे वापस घर जा रहे हैं। तो ये रास्ते में कुछ हमारे गांव की गलियां आपको दिखाते हैं, और ये जो कचरे वाले जो साफ करते हैं ना, वो ये मंडलम है तो यहाँ पे साफ सफाई अच्छे से ही होती है, रोड वगैरह क्लीन करते हैं, देख सकते हो। ये जौली स्ट्रीट है, अभी घर पहुंच गई हूँ। घर आके फिर मैंने बेटे के लिए बनाया कॉफ़ी, और बेटे के लिए बनाया राइस, और बेटे के लिए खाने में बनाया छंदलिया का दाल बोलते हैं, और हम लोगों के लिए चाय। मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा काम होता है तो देख सकते हो आप, ये मेरी डेली रूटीन है। उसके बाद में बच्चों का क्या है, अलग अलग होता है, गोलू को कुछ अलग पसंद आता है, मेरी बेटी को खाने में कुछ अलग पसंद आता है, तो उन लोगों के लिए पसंद के हिसाब से मुझे बनाना पड़ता है खाना। गोलू को तो कर्ड राइस पसंद है और मेरी बेटी को छंदलिया दाल चावल पसंद है, तो मैंने ये बनाया था बच्चों को टिफ़िन में। तो गाइस, अभी बज चुके हैं 8:00 मॉर्निंग और बस के लिए वेट कर रहे हैं, और ये मेरी बेटी है और ये मेरे रिलेशन है उनका लड़का है, और ये लड़की तो हमेशा सीरियस रहती है। देख, आज तेरा व्लॉग में ठंडा नहीं छोड़ू मैं कहीं जा। बच्चों के स्कूल जाने के बाद 8:30 तो बज ही जाता है, उसके बाद में नाश्ता किया, उसके बाद में बर्तन धोने का काम, उसके बाद में झाड़ू निकालना, पोछा लगाना, ये लगाने में ही 10:30 तो मेरे बज ही जाते हैं। वीकली 2 बार या 3 बार तो मिरर को पूछना पड़ता है, और वहाँ पे जो जितने भी सेल्फ है उनको क्लीन करना पड़ता है, और जितना भी फर्नीचर बनाते हैं ना उसको भी बार बार गीले कपड़े से पूछ के फिर सूखे कपड़े से पूछना पड़ता है, क्योंकि ये हमारी जो माइका है वो शाइनिंग वाला है,
थोड़ा भी डस्ट होता है तो वो दिखता है, तो मुझे इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। और फिर हम जितना भी साफ़ सफाई है, ये झाड़ू पोछा तो रोज़ करना ही पड़ता है मुझे। टाइम बज चुका है 11। नाश्ता किया, फिर बर्तन धोया, फिर झाड़ू पोछा। ये हम लोगों का डेली रूटीन है, और पोछा तो रोज लगाना पड़ता है। मुझे क्लीन एंड नीट ही पसंद है, साफ सफाई का पसंद है, पहले से ही आदत है मुझे। कभी भी एक दिन भी मिस नहीं करते हैं, झाड़ू पोछा तो रोज करते हैं। कभी कभी दिन में 2 बार भी लगाना पड़ता है, क्योंकि बच्चे हैं घर में। तो अभी बज चुका है टाइम 12:30, और मैंने अभी कपड़ा सुखाया है। कोई ब्लॉग शूट करने वाला नहीं है, तो मुझे खुद को ही शूट करना पड़ा। बच्चे वगैरह सब स्कूल गए हैं, और ये देखो मोर घर कने दिखे कि नहीं दिखे, बांध रहा रहे टीम, हमेशा बंदर आते रहते हैं हमारे घर में। और मौसम भी कैसा है, बारिश आने वाला जैसा है। कपड़ा सुखाया, फिर नीचे लेकर गए, फिर वापस सुखाए, यही काम बराबर हो रहा है। गाइस अभी टाइम हो गया है 1:30। अभी मैंने आटा गूंद लिया है और रोटी बनाऊंगी, सब्जी बना लिया है गोलू के लिए। गोलू तू कहीं खाए बेटा? चाय चल क्यों रहा, कॉल लिया मारे पेट में इंफेक्शन है ना। और पेट में इंफेक्शन देखो, हाँ गोलू के पेट में इंफेक्शन हो गया है, तो गोलू के लिए अलग चावल को उबाल कर फिर छाछ के साथ खाएगा। और ये ब्लॉग जो शूट कर रहा है, ये मेरा बेटा गोलू शूट कर रहा है। तो आ रहा है रोटी जिम लो। देखो टिक टैक स्टार कहीं कर देगा, तो फेवरेट सब्जी कहीं है बोलो। फेवरेट तो नहीं है, बनी फैंस मतलब और जान नहीं चाहे हरी जी को ही भावे। हरी जी पतला क्यों है, खाना नहीं खावे जिन वहीं वास्ते। मेरे बच्चे रोज 5 बजे तक घर आ जाते हैं, लेकिन मेरी बेटी कराटे में सेलेक्ट हुई है नेशनल लेवल, तो वो 6 बजे आई थी। उसके आने के बाद मैंने उसको एप्पल कट करके दिया। उसके बाद में मेरे बच्चों का होम ट्यूशन ही है, क्योंकि मेरा बेटा लेट आता है, मेरी बेटी भी थोड़ा लेट आती है, सबका टाइमिंग अलग अलग है। और मेरी भांजी भी है, वो भी लेट आती है, तो सबका अलग अलग टाइमिंग है, तो होम ट्यूशन ही रखा है। और उसके बाद में मैं अब खाना बनाने लग गई, और मेरे बच्चों की फेवरेट खाना है सांभर राइस, तो मैंने सांभर राइस बनाया। और उसके बाद में काचड़े की सब्जी और रोटी ये भी बनाया। लिया है, और बीच में मैंने रील्स भी शूट किया था, वो वाला व्लॉग मैं अलग से आपको दिखाऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा टाइम हो गया है। फिर बीच में चाय भी बनाई थी, रील भी शूट किया था, तो इसका व्लॉग मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना, और नेक्स्ट व्लॉग कौन सा बनाऊं ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बेल आइकॉन दबाना।